तो अभी हम देखते हैं और ड्रॉ करते हैं कि अगर स्टेबल कंपोजिशन हमें ड्रॉ करना है तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। राइट, स्टेबल कंपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी आपको जो चीज़ें दी आपको बताई जाती है, कि ये फ़ोन है, कंपस बॉक्स है, या स्टेशनरी आइटम कोई भी है, या कोई भी चीज़ बता सकते हैं। तो वो आप अगर आप वो दो चीज़ें या तीन चीज़ें बताएंगे, उसको आप कैसे अच्छा कंपोजिशन बना के उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसे कहा जाता है स्टेबल कंपोजिशन। राइट, तो ये स्टेबल कंपोजिशन करने के टाइम पे कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। अभी जैसे कि एक जो मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जैसे ग्रुप फोटोग्राफ निकालते हैं, तो ग्रुप फोटोग्राफ के दौरान हम लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं उसी हिसाब से हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो ग्रुप हिसाब में क्या करते हैं हम लोग कि जो टॉल पीपल है उनको पीछे खड़ा करते हैं, जो शॉर्ट है उनको आगे खड़ा करते हैं, तो काफ़ी लोग अच्छे से दिखे। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग क्या करते हैं उसको ग्रुप करते हैं। ग्रुप मतलब इकट्ठा जॉइंट होते हैं वो। अगर तीन फ्रेंड्स है, चार फ्रेंड्स है, तो वो चार कॉर्नर में खड़े नहीं होते हैं। वो ग्रुप होना चाहिए। सो जब स्टेबल कंपोजिशन की बात आती है तो ये कंपोजिशन इकट्ठा एक ग्रुप लगना चाहिए सबसे पहले। सो चीज़ें जो भी अरेंज करोगे वो ग्रुप के हिसाब से, मतलब नज़दीक नज़दीक, उसमें आप टर्न ट्विस्ट ये कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि आपको एक कोन यूज़ करना है, एक क्यूब यूज़ करना है और एक स्फीयर यूज़ करना है। तो ये तीन चीज़ें बताई थी और इसमें आपको स्केलिंग अप और डाउन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको जो चाहिए आप उसके हिसाब से कर सकते हो। राइट, तो स्टेबल कंपोजिशन में ये चीज़ें होने के बाद हमें ध्यान में रखना है दूसरी चीज़, वो कि साइज वेरिएशंस होने चाहिए। तीन चीज़ें हमें दी गई है तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट साइज होने चाहिए। वन कैन बी टॉल, वन कैन बी मीडियम एंड वन कैन बी लिटिल फैट। तो जब हम तीन चीज़ें ये देखते हैं तो कोन कैन बी अ लॉन्ग और टॉल, पिरामिड सॉरी क्यूबॉइड भी हो सकता है, बट क्यूबॉइड से बेटर हम लोग कोन करेंगे क्योंकि कोन को हमें स्ट्रेट ही खड़ा करना है ज़्यादा करके, हो सके उतना। ठीक है, तो उसको हम टॉल कर सकते हैं। स्पीयर इज अगेन शॉर्ट एंड फैट का जो फील है वो उसमें हम उसको देख सकते हैं। और क्यूबॉइड जो है वो मीडियम केस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेबल कंपोजिशन में हम ज़्यादातर के जो आई लेवल होती है वो मिड में रखेंगे, पेज के मिड में रखेंगे। वो सेफ है और बेटर है और आप उसको क्विकली जो है अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा डायनामिक के साथ उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अनटिल अनलेस टॉप एंगल और ज़्यादा लो एंगल जो है कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और स्टेबल कंपोजिशन जनरली एज अ ग्रुप फोटोग्राफ के हिसाब से ही हमें सोचना है, करना है, क्योंकि ग्रुप फोटोग्राफ में हम लोग ज़्यादा करके कोई टॉप या ज़्यादा लो से नहीं करते, हम लोग देखते हैं स्ट्रेट के हिसाब से, इन द सेंस कि लाइक आई लेवल मिड में होना चाहिए। सो जो भी चीज़ हम करते हैं उसका हाफ पोर्शन अबव द आई लेवल जाता है और हाफ पोर्शन बिलो द आई लेवल जाता है। सो एक अच्छा डायनामिक जो फिगर या कंपोजिशन है हमें उसमें देखने मिलता है। तो इट्स अ सेफर सेफर जोन ये इस हिसाब से है। और हम लोग उसको थोड़ा सा टॉप एंगल या करना भी है तो कैसा करना है। सो इम्पॉर्टेंट इज अगेन मैं कहूँगा कि आई लेवल, आई लेवल हमें आई लेवल के साथ खेलने हमें आना चाहिए। आई लेवल अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो क्या व्यू मिलेगा, नीचे रखूँगा तो क्या मिलेगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे इस कंपोजिशन के लिए बेटर कौन सा आई व्यू या एंगल रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी ये सेफर इसमें कैसे उसको हम प्लान कर सकते हैं।
आइडियली इस टाइप के कंपोजिशन में जो है नॉर्मली पेपर्स जो है वर्टिकल ही आपको रहता है, आपको फ्रीडम है, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज कर सकते हो। बट स्टेबल कंपोजिशन के टाइम पे जहाँ पे दो या तीन चीज़ें होती है, सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वर्टिकल करते हो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें अच्छा रिजल्ट हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में जैसे कि ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल हम लोग कब फोटो खींचते हैं, जब 8 लोग 10 लोग हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टली प्लान करते हैं और उसको क्लिक करते हैं। बट अगर 2 या 3 लोग हैं तो वर्टिकली बहुत अच्छा कंपोजिशन दिख सकता है। ओके, तो जैसे कि आपको ये स्पेसिफिक साइज और एरिया दिया होगा, उसके अंदर हमें ये ड्रॉ करना है, राइट? तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसका हम लोग मिडल में यहाँ पे रखेंगे, तो मिडल मतलब नॉट एग्जैक्टली मिडल बट हल्का सा नीचे, ये जो है हम लोग इसको इस तरीके से आई लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो आपके वैनिशिंग पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर बाहर की तरफ कहाँ पे तो हो सकते हैं, और उसके अगर मैं लाइंस बेसिक ड्रॉ करता हूँ आउट ऑफ फ्रेम, मेरा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे पकड़ के अगर मैं करता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी जो है, तो ये बेसिक ग्राफ में बना के ले रहा हूँ ताकि उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे और कैसे ड्रॉ करना है। अभी ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम ये जो है वो बना रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चाहता हूँ कि यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करना है, तो मैं अगर यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि ये यहाँ पे मुझे क्यूब ड्रॉ करना है, तो ये हाइट हो गई मेरी, और उसके हिसाब से जो मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा पर्सपेक्टिव के, वो वैनिशिंग पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट होती है, और जो हमने पहले ये ग्राफ वाली लाइंस, पहले पर्सपेक्टिव वाली लाइंस ड्रॉ की है, वही मुझे हेल्प करती है परफेक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करने के लिए। अब इसके हिसाब से मैं इसको, अगर इसकी थिकनेस जो भी मुझे चाहिए वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली, आप अब देख सकते हो कि लाइक एक प्रॉपर 3 डायमेंशन क्यूबॉइड जो है यहाँ पे रेडी है, उसमें एक बेटर डायनामिक यहाँ पे दिखने मिलता है, क्योंकि इसका जो है आई लेवल मिड में होने की वजह से नीचे का पोर्शन ऊपर का पोर्शन दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई भी हम ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ पे मुझे कोन भी ड्रॉ करना है अगर, तो ये इसी बेस को मैं फॉलो करते हुए है, और इसका सेंटर पॉइंट से ये हाइट है। सो जैसे कि यहाँ पे कोन की हाइट यहाँ पे हमने डिसाइड की है, और फिर उसको हम इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो डायनामिक और वही एंगल रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया मेथड कि आप सिंपल इस तरीके से आप जो है इजीएस्ट वे से एक अच्छा व्यू स्टेबल कंपोजिशन में ला सकते हो। अब इसमें अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव निगेटिव स्पेस काफ़ी अच्छे से छूट सकती है, और बेटर ड्राइंग, बड़ा ड्राइंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसी के अंदर आप उसके हाइट्स और ये चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनल ड्राइंग करने स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा जो है वो थंबनेल्स पे काम करना चाहिए, राइट? तो ये माइंड में फिक्स करके हम चल सकते हैं कि ये यही एंगल में हमें जो भी कभी भी कोई भी स्टेबल कंपोजिशन का क्वेश्चन आता है तो हमें इस एंगल में ही करना है, अनटिल अनलेस किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली अगर कहा गया है तो ही हम एंगल चेंज करेंगे, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड एंगल ही हम फॉलो करेंगे और कर सकते हैं। ओके, तो अब थंबनेल्स के बारे में देखते हैं। इसमें तो जो हम थंबनेल्स कर रहे हैं तो हमें अगेन वो कंपोजिशन जो है हमें वर्टिकल ही सोच के करना है कि वर्टिकल इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो
इमीडिएटली थंबनेल में भी हमें जो ड्राइंग है या आई लेवल है वो डिसाइड करनी है। अब जब मैं बात कर रहा था कि तीन चीज़ें, एक हाई टेड, एक मीडियम और एक जो है वो लिटिल फैट और शॉर्ट, वो हमें अगर दिखाना है तो ऑटोमेटिकली तीनों की अरेंजमेंट ऐसी हो, जो भी हाई टेड चीज़ होगी वो सबसे पीछे होगी, जो मिड है वो मिडल में रहेगी और जो शॉर्ट है वो फ्रंट में रहेगी, राइट। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिमिलर वे हम लोग क्विकली जो है हमारे जो लाइंस है पर्सपेक्टिव के, तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये ग्राउंड का फील हमें आ रहा है, तो पीछे की तरफ हमें कोन को रखना है और हाइटेड रखना है, बड़ा रखना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से हमारा कोन जो है, अगेन एग्जैक्टली सेंटर में ना रखते हुए हल्का सा ऑफ सेंटर हम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटर में चीज़ हाइटेड वाली थोड़ी सी सिमिलेट्रिकल फील हमें ला सकता है, तो इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर हम करके हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और थंबनेल में हमें ज़्यादा पर्सपेक्टिव को ध्यान न रखते हुए प्रपोर्शंस को हमें देखना है, तो ये चीज़ है। तो अभी इसको मुझे लगता है कि और भी उसको ऊपर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है अभी क्यूबॉइड बताया गया है, तो क्यूबॉइड हम लोग इस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और फोरग्राउंड में जो है बड़ा सा यहाँ पे सर्कल जो हमें स्पीयर बताया गया हुआ है। स्पीयर को हम फोरग्राउंड में रख सकते हैं और यहाँ पे क्यूबॉइड को हम लोग प्लान कर सकते हैं, जैसे कि ये पर्सपेक्टिव की लाइंस है उसी को फॉलो करते हुए। तो इस तरीके से ये क्विकली हम लोगों ने ये कंपोजिशन किया हुआ है, तीन चीज़ें देखी हुई है, और आप देख सकते हो कि स्पेस भी काफ़ी कवर किया हुआ है और निगेटिव स्पेस प्रॉपरली उसको छोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन द डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये तीनों भी चीज़ें आई हुई है और तीनों भी एक साथ ग्रुप में इकट्ठा है। जैसे कि अगर हम लोग टॉप एंगल से देखते हैं तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप एंगल से हम लोग जो ग्रुप फोटो की बात करता हूँ मैं, तो ग्रुप फोटो के इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट हम लोग जो है हल्का सा कर्व लाइन में खड़े होते हैं, ओके। तो वो फील जो है वो अच्छा आता है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा था कि टॉल पीपल है वो पीछे के साइड पे खड़े हुए हैं, थोड़े से जो मीडियम है वो लोग जो है वो आगे के खड़े हैं, और एकदम शॉर्ट जो है वो फ्रंट में खड़े हैं। तो ये टॉप व्यू से हमें इस तरीके से दिखाई देता है, और सेम चीज़ें हमें यहाँ पे चीज़ की है। अगेन वो एज अ ग्रुप होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ग्रुप नज़दीक का जो फील है वो होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम कुछ इसी के अंदर दूसरा वेरिएंट्स करके देखना चाहते हैं कि सेम आई लेवल, सेम पर्सपेक्टिव लाइंस, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर जो है मे बी क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड को हमको हाइटेड दिखाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको हम क्यूबॉइड को हाइट यहाँ पे इतना देते हैं, और वो पीछे के साइड पे, मैं इसको यहाँ तक नहीं लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ तक इसको ड्रॉ करता इसका मतलब ये काफ़ी फोरग्राउंड में आ गया, ये जो पर्सपेक्टिव का डेप्थ है उसकी वजह से ये
पीछे की तरफ होना चाहिए। ये वाला पीछे का एरिया, यहाँ पे मिड एरिया और यहाँ पे फोरग्राउंड, उस हिसाब से हमें ट्रीट करना है। तो ये पीछे के साइड पे है, तो ये यहाँ पे क्यूबॉइड को मैंने ड्रॉ किया, और अगर मैं पर्सपेक्टिव के लाइंस इसके फॉलो करता हूँ, मुझे ये बड़ा सा क्यूबॉइड जो है यहाँ पे इस तरीके से देखने मिल सकता है। सेम टाइम पे अभी मिड ग्राउंड की बात करते हो, तो यहाँ पे मिड ग्राउंड में आना है। तो मिड ग्राउंड में मुझे यहाँ पे लगता है कि ये वाला, अगर मैं स्पीयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो अच्छा लगेगा ना। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, इसकी ग्राउंड लेवल है वो यहाँ पे है, और इसके आगे अब मैं जो है जो कोन रखना है उसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, और उसकी साइज़ जो है वो मैं छोटी रखूँगा और इसको पतला। इस तरीके से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरा कंपोजिशन या ऑप्शन अपना थंबनेल में हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं जब ग्रुप की बात करता हूँ तो इट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ओवरलैप होने ही चाहिए, तभी वो ग्रुप लगेगा। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है, फोरग्राउंड मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड का अगर वो फील नहीं है, तो वो ग्रुप नहीं लगेगा और एक अच्छा कंपोजिशन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको, अबे इसमें कौन सा हमें जो कंपोजिशन अच्छा लगता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों भी कंपोजिशन मेरे हिसाब से अच्छे हैं, कोई उसमें ये नहीं है, बट कहने का मतलब इतना ही है कि वेरिएशन इन द साइज, प्रॉपर प्लेसमेंट और फाइनली जो है लाइट सोर्स, अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये स्टेबल कंपोजिशन हम लोग इजी से कर सकते हैं। तो यही मेरा सजेशन है कि अगर आप स्टेबल कंपोजिशन कर रहे हो तो आइडियली यही एंगल को लेके फॉलो करके आप कंपोजिशन कर सकते हो। इजी और सेफ वे है ये, बट स्पेसिफिक कुछ आपको एडिशनल चीज़ें करनी है तो आप काफ़ी टॉप एंगल और थर्ड वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हुए भी ड्राइंग कर सकते हो। उसके लिए आपको रेगुलर बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी डिलीवर करने वाले हो वो परफेक्ट है। अदरवाइज ये सेफर मेथड यूज़ करके आप ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो।